माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फुटवेयर कलेक्शन। इसमें मैंने जो भी मेरे अच्छे अच्छे फुटवेयर है बस वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ, मेरी सबसे फर्स्ट जो मैं हील ली थी वो शेयर करती हूँ। ये फुटवेयर है वो, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसकी ऐसी बॉक्स सील है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्टडी है और हार्ड है और यहाँ पर ऐसे स्ट्रेचेबल है। ये कलर इसका एक्चुअली ना, ये मैंने काफ़ी टाइम से मतलब एक ही बार वेयर किया है इसे, उसके बाद मैंने वेयर नहीं किया तो इसको थोड़ा सा मुझे क्लीन करना पड़ेगा, बहुत गंदी हो रही है। सो यहाँ पर पीछे की तरफ चेन दी गई है और ये कुछ इस तरह से है, बहुत ज़्यादा प्रीटी है ये। और ये मैंने 1000 रुपीज़ की ली थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये। सो ये एक है हील। उसके बाद जस्ट मैंने रिसेंटली एक हील्स ली थी जब मेरा शूट था तब, तो ये बहुत सुंदर है। ये एक ब्लैक कलर की है और ये भी बॉक्स हील ही है और यहाँ पर ऐसे इसको पैक करना है। सो ये भी बहुत अच्छी है, ये भी मैंने कुछ 700 और समथिंग की ली थी। सो उसके बाद मेरे पास और एक है ये वाली, सो ये भी बहुत अच्छी है, इसका तो अभी ट्रेंड ही चल रहा है। सो ये भी बॉक्स हील में ही है, ये ब्लैक कलर की है, ये मैंने बांद्रा से ली है, जस्ट 350 रुपये की है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड देन उसके बाद और एक हील दिखा देती हूँ, ये एक है जो कि मतलब ट्रेडिशनल वेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, गोल्डन कलर की। इसे तो मैंने इतना यूज़ किया है, इससे ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हुए रहेंगे। ये मैंने 500 और 600 की कुछ ली रहेगी, अभी बहुत बेचारी ख़राब हो चुकी है। सो उसके बाद मैं शूज़ दिखा देती हूँ, इसको तो मैंने पहना तक नहीं है, ये बहुत सुंदर है, ब्लैक कलर की शूज़ है। ये मैंने एजियो से ली थी, 700 और 800 की कुछ थी, ये बहुत प्रीटी है ये वाले शूज़, ये आप कहीं रनिंग के लिए वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये अगेन एक है, ये मैंने बांद्रा से ली हुई है, ये एक्चुअली इसका ना उन लोगों ने कुछ 1000 और समथिंग लिया था, बट हमने 4 शूज़ ली थी ऐसी चारों लोगों ने, तो हमें ये 550 में मिली थी, जो कि बहुत अच्छे। और यहाँ पर जो है ना ये ब्रॉड है ना, तो ये बहुत सुंदर लगती है। सो ये भी अगेन मेरी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा प्रीटी है। तो ये हाँ, ये एक हो गई। उसके बाद एजियो से मैंने ये एक ली है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये देखो इसको भी ऐसी ब्रॉड है ना, तो ये एक हिल आ जाता है और उतनी हाइट ज़्यादा लगती है, तो बहुत प्रीटी लगती है। ये वाइट कलर, वाइट एंड पीच कलर में है, यहाँ पर पीच पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है कैमरा में, वाइट एंड पीच है, काफ़ी अच्छी है। ये भी मैंने कुछ 700 और 800 समथिंग की रेंज में ली है। सो ये भी मेरे पास एक है कलेक्शन में। उसके बाद है ये मेरी काफ़ी पुरानी है, लाइक 1.5 साल पहली है, ये भी स्पोर्ट्स वेयर ही है, तो ये मैंने मीशो से ली थी, 350-400 रुपये की थी है। सो ये भी मैंने वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इसमें से कोई भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, जो यूज़ करती हूँ ना वो तो मैंने इसमें नहीं दिखाए है। और ये एक है बहुत अच्छी, तो मेरी सबसे पहले एजियो की बूट्स है, काफ़ी अच्छे बूट्स है ये, इसको भी हील्स है, बॉक्स हील है, गिर गया, बहुत भारी है इसका वेट और यहाँ पर ऐसे बहुत सुंदर लगती है, ये ब्लैक कलर की है। और उसके बाद सबसे लास्ट में मेरी ज़्यादा फेवरेट वाली वाइट कलर की बूट्स है, जिससे मैंने अभी तक नहीं पहने का, कभी चांस ही नहीं आया, पता नहीं इसे कब पहनूंगी। ये मैंने SSS से ऑर्डर की थी फर्स्ट टाइम, मुझे ट्रस्ट नहीं था कि कैसे आएगी क्या आएगी, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर आ गई है, देखो वाइट कलर की है और यहाँ पर इसको पीछे चैन, पीछे नहीं साइड में चैन दी गई है और ये इतनी सुंदर और स्टनिंग लगती है ना पहनने के बाद, एकदम ज़बरदस्त लगती है। सो ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये पहनने के बाद जो लुक आता है ना, वन पीस के साथ पहनूँ या फिर जीन्स के साथ, मतलब जो स्किनी जीन्स होती है उसके साथ अगर ये पहनेंगे ना, तो इतनी ज़बरदस्त लगती है ना,
सो ये एक मेरी फेवरेट है और ये भी मैंने 1100 और 1200 की रेंज में ली थी। सो ये भी इसको मुझे 2 साल हुए रहेंगे बट मैंने अभी तक इसे ब्याह नहीं किया, मेरी फेवरेट है। तो यार ये था मेरा छोटा सा आज का फुटवेयर कलेक्शन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।